मोदी जी, मेरा नाम फिरौन है। मेरी लाश काहिरा म्यूजियम में इबरत का निशान बनी पड़ी है और मेरी रूह झुलसती आग का सुबह शाम मजा चखती है, क्योंकि जहन्नुम में तुम्हारी सहकारियों का बड़ा चर्चा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खत लिखूं। तुम जो कश्मीरियों के साथ कर रहे हो, इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं इससे पहले बनी इसराइल के साथ यही कुछ कर चुका हूं। मैंने बनी इसराइल को महकूम बनाया हुआ था, जिस तरह तुमने कश्मीरी कौम को बनाया हुआ है। मैंने उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई थी, जैसे तुमने कश्मीरियों की बनाई हुई है। इनकी मईशत मफलूज करके रखी थी और उनसे जबरी मुशक्कत दिया करता था, उनसे अहराम और शानदार इमारतें बनवाया करता था, उनके लड़कों को जबह करवा दिया करता था। मुझे खुशी हुई कि मेरा तरीका अब तुमने जारी रखा हुआ है। मुझे तुम्हारी पैलेट गन्स देखकर भी बड़ी खुशी हुई। हमारे दौर के हथियार इतने अच्छे ना थे। बस अब तुम आगे बढ़कर कार्रवाई कर डालो, जैसा कि मैंने की थी। मैंने हिजरत करते हुए बनी इसराइल को तहस नहस करने की कोशिश की थी, बस तुम भी कर डालो। कश्मीरियों पर मजीद जुल्म के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हमला कर डालो। आखिर तुमने इतनी बड़ी फौज को रोने धोने, मसाइल मुश्किलात की दुहाई देने के लिए तो नहीं पाल रखा ना। इससे कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारी शानदार सल्तनत, सनत, आईटी, फिल्म इंडस्ट्री जरूर तबाह हो जाएगी। इसलिए कि मेरे और तुम्हारे कायद और करतूत एक जैसे ही हैं, तो अंजाम भी तो एक सा ही होगा। मैं अपनी कौम को ले डूबा और मुझे लगता है कि तुम भी अपनी कौम को ले डूबोगे। मूसा के पैरोकार अल्लाह के वफादार थे और अल्लाह के वफादार ये पाकिस्तानी भी हैं। सुरखुरु वो भी हुए थे, सुरखुरु ये भी होंगे। तुमसे जल्द मुलाकात का मुतमन्नी, तुम्हारा फिरौन।